वेलकम टू लेक्चर नंबर थर्टी ऑफ कोर्स ऑन बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने कोरिलेशन डिस्कस किया और एक्सेल में कोरिलेशन का फंक्शन बड़ा हेस्टिली देखा एक छोटी सी एग्जांपल भी हमने की

जहां पे डेटा अच्छी तरह से वैलिडेट नहीं किया गया हाई कोरिलेशन के बारे में मैंने आपको वर्ड ऑफ कौशन दिया तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे जो पिछले लेक्चर में हमने किए आज के लेक्चर में हम एक तो ब्रीफली कोरल फंक्शन के सिंटेक्स को देखेंगे जो पिछले लेक्चर में मैं आपको डिटेल से नहीं दिखा सका सेकेंडली मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डिफरेंट स्टेटिस्टिकल फंक्शंस कैसे इस्तेमाल होते हैं किस तरह से उनको इंस्टॉल किया जाता है और उनका रेंज क्या है वो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि स्टेटिस्टिकल फंक्शंस का बड़ा वाइड रेंज है और एक्सेल को आप इस्तेमाल करके बिजनेस स्टेटिस्टिकल प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स वर्कशीट्स रिग्रेशन एनालिसिस में दो फंक्शन हैं जिनको इस्तेमाल करके स्लोप और इंटरसेप्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है और रिग्रेशन इक्वेशन के कॉन्स्टेंट्स इस तरह से डिराइव किए जा सकते हैं ये दो एग्जांपल्स मैंने आपके लिए तैयार किए हैं फिर हम रिग्रेशन पे फर्दर बात करेंगे एक और एग्जांपल मैंने आपके लिए तैयार की है तो आज का लेक्चर रिग्रेशन एनालिसिस पे काफी वाइड कवरेज देगा नेक्स्ट लेक्चर में हम रिग्रेशन एनालिसिस पार्ट टू फर्दर तफसीत डिफरेंट एस्पेक्ट्स किन चीजों के बारे में वॉचफुल रहने की जरूरत है इंपॉर्टेंट एरिया क्या है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे तो आइए आप स्लाइड्स की तरफ चले इस लेक्चर में आप लाइन फिटिंग इसका नाम रखा है लाइन फिटिंग ऑल दो रिग्रेशन एनालिसिस इज द मेन टॉपिक लेकिन लाइन फिटिंग पे फोकस है तो आइए इस पे थोड़ी सी पहले बात करते हैं। लाइन फिटिंग मैंने एक्सप्लेन किया कि स्केटर डायग्राम जब बना ली जाती है डेटा रिप्रेजेंट कर दिया जाता है तो उस डेटे को देख के अंदाजा लगाया जाता है वेदर देर इज ए को रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स और अगर हम समझते हैं कि कोरिलेशन है और ये विजुअली किया जाता है आप ग्राफ को स्केटर डायग्राम को देख के डिसाइड करते हैं कि इन वेरिएबल्स में आपस में कोरिलेशन है या नहीं फिर आप उसका एनालिसिस फर्दर करते हैं कि कोरिलेशन क्वेफिशेंट क्या है यानी डिग्री ऑफ एसोसिएशन

पॉइंट एट से ज्यादा है एंड इफ यू आर श्योर देर देर इज ए वेरी हाई डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स देन वी प्रोसीड फर्दर विद रिग्रेशन अनालिसिस यानी रिग्रेशन इक्वेशन को डिराइव करना और एक लाइन को इस डेटे पे फिट करना उसको कहा जाता है लाइन फिटिंग तो ये है इसेंशली जो माइक्रो लेवल पे हम कर रहे हैं वो लाइन फिटिंग का फंक्शन हो रहा है और ओवरऑल जो इसका नाम है इस एनालिसिस का उसको रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं तो आइए अब वापस स्लाइड पे चलें कोर फंक्शन लेट्स गो थ्रू इट क्विकली रिटर्न्स द कोरिलेशन कोल रेंजेस या मुख्तर सी बात कि जब आप कोरल फंक्शन को, को इस्तेमाल करेंगे तो उसकी इनपुट दो एरेस हैं रे वन एंड एरे टू ये वो दो एरेस हैं या एरेस आप दे सकते हैं स्पेसिफाई कर सकते हैं एक्चुअल वैल्यूज या दूसरी ऑप्शन ये है कि आप सेल रेंजेस स्पेसिफाई करें एक्सेल की वर्कशीट में आप जहां से रे शुरू हो रही है उसको आप सेलेक्ट करें एंड ड्रैग इट टू द एंड ऑफ द एरे दखरी एलिमेंट को तक लेके जाएं एंड सिमिलरली यू चूज अदर एरे तो ये दो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं आइए स्लाइड पे वापस चलें यूज द को रिलेशन द रिलेशनशिप बिटवीन टू प्रॉपर्टीज ये मैं ऑलरेडी बड़ी तफसील से एक्सप्लेन कर चुका हूं फिर यहां एग्जाम्पल दी गई है यू कैन एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन ए लोकेशन एवरेज टेम्परेचर एंड द यूज ऑफ एयर कंडीशनर्स। दिस मे भी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस कि ये दो वेरिएबल्स ये अक्सर हमारी लाइफ का हिस्सा हैं जब गर्मी बहुत हो जाती है तो हम चाहते हैं कि एयर कंडीशनर चलाया जाए तो अगर हमारे पास ये डेटा हो टेम्परेचर कितना टेम्परेचर था हम रोज डेली टेम्परेचर अगर मेयर कर लें और डेली एनर्जी कंजम्पन भी नोट कर लें तो ये लेट्स से दैट वी यूज दिस डेटा फॉर ए वीक और सो ताकि इतने पॉइंट्स आ जाएं कि हम एक सेंसेबल एनालिसिस कर सकें तो इनको आप आपस में रिलेट करके यू कैन डिराइव दिस पॉइंट वेदर द टू वेरिएबल्स आर स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद ईच अदर वैसे तो हम सबको मालूम है कि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो एयर कंडीशनर चलाए जाते हैं बट दिस एनालिसिस कैन गिव यू अ क्लियर आइडिया हाउ स्ट्रांगली दीज टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड टू ईच अदर तो आइए अगली स्लाइड पे चलें इसका रे वन इज ए सेल रेंज ऑफ वैल्यूज रे टू इज ए सेकेंड सेल रेंज ऑफ वैल्यूज ये एक्सप्लेन किया जा चुका है फिर कुछ रिमार्क्स भी हैं कि आर्ग्यूमेंट्स मस्ट बी नंबर्स और दे मस्ट बी नेम्स अरेज और रेफरेंसेस दैट कंटेन नंबर्स यहां भी मुख्तर सी बात प्लीज रिमेंबर कि आप ये कोरिलेशन जब वर्कआउट कर रहे हैं तो असल में नूमेरिकल वैल्यूज आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर आपने कोई रेफरेंसेस देने हैं तो वो उन सेल रेफरेंसेस वो सेल रेफरेंसेस होने चाहिए ये ऐसी वैल्यूस नॉन नूमेरिकल वैल्यूज अगर दरमियान में रख देंगे तो आपका जवाब गलत हो जाएगा एरर आ जाएगा आइए स्लाइड पर वापस चलते हैं इफ एन एरे और रेफरेंस आर्गूमेंट कंटेन्स टेक्सट लॉजिकल वैल्यूज और एम टी सेल्स दोज वैल्यूज आर इग्नोर्ड हाउ एवर सेल्स विद द वैल्यूज जीरो आर इंक्लूडेड इस पर भी बात हो जाए यानी यहां आप नोट करें कि ये पॉइंट आउट किया जा रहा है कि सवाई जीरो के एवरीथिंग एल्स विल बी इग्नोर्ड

एक दो एलिमेंट एक रे में मिस कर जाते हैं तो उससे ये एरर मैसेज आ जा जाएगा तो आइए स्लाइड पे चलें इफ आइर एरे वन और अरे टू इज एम्प्टी और इफ एस दिएशन ऑफ देअर वैल्यूज इक्वल जीरो कोरल रिटर्न्स द डेव ऑब्लिक जीरो एरर वैल्यू इसको भी जरा डिस्कस कर लें आपको याद होगा कि कोरिलेशन का फॉर्मूला था को ऑफ द टू वेरिएबल्स डिवाइडेड बाई द स्टैंडर्डिविएशन ऑफ द फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई द स्टैंडर्डिविएशन ऑफ द सेकंड। तो नेचुरली अगर स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिविएशन की वैल्यू जीरो आ जाती है तो बाई दिस डिवीजन द आंसर विल बी इंफिनिटी और ऑब्वियसली कोई सही जवाब नहीं निकल सकेगा तो ये एक इंटरनल चेक है कोरल फंक्शन का कि इस किस्म की सिचुएशन अराइज ना हो जाए अगर हो जाती है तो आपको ये एरर मैसेज आ जाएगा सो यू हैव टू बी वॉचफुल दैट द डेटा इज सच दैट यू डोंट गेट स्टैंडर्ड स्टैंडिबन इक्वल टू जीरो तो आइए स्लाइड पे चलें। एक्सेल के बारे में अब बात हो रही है एंड लेट मी डिस्कस दिस ब्रीफली फर्स्ट एक्सेल में जैसे कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं आप या तो बिल्ट इन फंक्शंस यूज कर सकते हैं जैसे एक कोरल फंक्शन है ये बिल्ट इन फंक्शन है आप एक वर्कशीट बना रहे हैं उसमें आपने डेटा एंटर किया फिर आपने एक फार्मूला लिखा जिसमें इस फंक्शन को इस्तेमाल किया और एज ए रिजल्ट ऑफ द फार्मूला यू गेट योर आंसर दूसरा तरीका क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सो कॉल्ड स्टेटिस्टिकल पैक है उस स्टेटिस्टिकल पैक में कई स्टेटिस्टिकल टूल्स हैं और उसका तरीका यह है कि यू गो थ्रू द टूल्स मेन्यू एंड देन एक्टिवेट द स्टेटिस्टिकल पैकेज वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं ताकि आपको क्लियर हो कि इस स्टेटिस्टिकल पैकेज में कौन से टूल अवेलेबल हैं तो आइए स्लाइड पे वापस चलें और देखें कि ये कैसे होगा कि कहीं आपको दिखाया जा रहा है कि अगर आपने समरी ऑफ सैम्पल स्टेटस्टिक्स मिसाल के तौर पे लेनी है जो पिछली दफा कई हमने स्टेटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पे डिस्कशन्स की तो अगर इफ दैट इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन तो फिर आप टूल्स में जाएंगे फिर डेटा अनालस और फिर डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स सिमिलरली अगर आपने इंडिविजअुअल सैंपल स्टेटिस्टिक्स के साथ काम करना है तो एक और तरीका है कि इंसर्ट मेन्यू में जाके फंक्शन को आप कॉल करें और फिर स्टेटिस्टिकल का सब मेन्यू सिलेक्ट करें और जिस फंक्शन में आप इंटरेस्टेड हैं उस फंक्शन को आप सिलेक्ट करें तो ये दो तरीके डायरेक्टली आपके पास आ गए थ्रू मेन्यूज ऑल्सो के मेन मेन्यू टूल्स और सेकेंड मेन्यू इज इंसर्ट आइए आगे चलें स्टेटिस्टिकल एनालिसिस टूल इसमें स्टेटिस्टिकल एनालिसिस किया जाता है तो इसको कैसे हमने करना है इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं स्टेप वन आपने क्या करना है कि गो टू द टूल्स मेन्यू सेकेंड क्लिक डेटा एनालिसिस इफ डेटा एनालिसिस नॉट अवेलेबल लोड द एनालिसिस टूल पैक इस पर बात हो जाए कि आपको बताया जा रहा है कि टूल्स मेन्यू में जाइए और वहाँ जाके तो डेटा एनालिसिस मेन्यू को आप सेलेक्ट करें जब आप वहाँ गए तो पता लगा डेटा एनालिसिस तो नज़र ही नहीं आ रहा तो कैसे आप ये करेंगे उसका एक तरीका समझाया जा रहा है तो आइए देखें वो क्या तरीका है वो तरीका यह है कि ऑन द टूल्स मेन्यू क्लिक एड इंस और नेक्स्ट स्टेप क्या है कि उसमें एक लिस्ट आ जाती है एड इंस अवेलेबल लिस्ट उस लिस्ट में अनालिसिस टूल पैक बॉक्स को आपने टिक करना है और फिर आपने ओके okay करना है फिर साथ ये भी बात बताई जा रही है इफ नेसेसरी फॉलो द इंस्ट्रक्शन इन द सेटअप प्रोग्राम आइए पिछली स्लाइड पर वापिस चले एंड लेट मी एक्सप्लेन दिस पॉइंट नाउ यानी हो क्या रहा है कि असल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ एड इंस मौजूद हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब आपने इंस्टॉल किया था तो उस वक्त उसकी कुछ ऑप्शंस थी उन स्टैंडर्ड ऑप्शंस में जनरली इस किस्म के जो एड इंस हैं वो इंक्लूड नहीं किए जाते यानि ऑल दे आर ऑन योर हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर में हैं लेकिन इंस्टॉल नहीं किए जाते तो जब आपको ये ज़रूरत पेश आ जाए कि मैंने स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करना है और मुझे वो स्टेटिस्टिकल टूल पैक चाहिए तो फिर ये तरीका समझाया गया कि उसका ये मालूम करने का तरीका कि आया कि स्टेटस्टिकल टूल पैक है या नहीं तो आप टूल्स मेन्यू में जा रहे हैं वहाँ पर ढूंढ रहे हैं स्टेटस्टिकल वो डेटा अनैलिस मेन्यू है या नहीं अगर तो है तो इट मींस के आपके आपने स्टेटिस्टिकल टूल पैक इंस्टॉल कर लिया है अगर नहीं है तो फिर आपने एडेंस मेन्यू में जाना और एडेंस मेन्यू में जब आप जाएंगे तो वहां पर लेटर वील सी के एक से ज्यादा वहां पर पैक्स अवेलेबल हैं स्टेटिस्टिकल टूल पैक इज वन ऑफ दोज तो वहां पर आपने उसको इंक्लूड करना है जिसका तरीका ये होता है कि वहां पे एक बॉक्स बना हुआ है उस बॉक्स में आपने क्लिक करना है तो अब हम अस्यूम कर रहे हैं कि स्टेटिस्टिकल टूल पैक इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड तो आइए इस स्लाइड पे आप देखें कि अगर ये इंस्टॉल्ड है तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है यानी स्टेप वन जो था टूल्स मैन्यू फिर डेटा अनाल तो जब ये हमने किया तो डेटा एनालिसिस डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ गया उसमें अब हमें बताया जा रहा है कि नेम ऑफ द एनालिसिस टूल को आप क्लिक करें जो आपने इस्तेमाल करना है और फिर ओके okay करें फिर नेक्स्ट स्टेप कि इन द डायलॉग बॉक्स फॉर द टूल यू सिलेक्टेड सेट द एनालिसिस ऑप्शंस यू वॉन्ट मसलन अगर हम रिग्रेशन अनालिसिस को सिलेक्ट कर रहे हैं एज ए टूल तो फिर उसकी ऑप्शंस को पहले हम सेट करेंगे इस पे भी थोड़ी सी बात ज़रूरी है कि ये एनालिसिस टूल पैक जो है स्टेटिस्टिकल एनालिसिस टूल पैक इसमें डिफरेंट टूल्स हैं ऑबियसली जिसमें रिग्रेशन इज़ वन ऑफ द टूल्स जो हम स्टडी कर रहे हैं तो अगर हमने इस टूल को इस्तेमाल करके रिग्रेशन अनैलिसिस करना है तो देन वी हैव टू डिफाइन द बेसिक पैरामीटर्स वी हैव टू स्पेसिफाई द बेसिक करेक्टरिस्टिक्स विच वी आर इंटरेस्टेड इन वी हैव टू स्पेसिफाई उसमें ऑलरेडी जब आप उस टूल को सिलेक्ट करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा उसमें आप डिफरेंट ऑप्शन जो दी हुई हैं उनमें अपनी सिलेक्शन करेंगे टू मीट योर ओन रिक्वायरमेंट्स ये अभी हम देखेंगे चूंकि मैंने आपके लिए रिग्रेशन का टूल बॉक्स उसकी एक स्लाइड बनाई हुई है आई एम गोइंग टू शो यू कि रिग्रेशन में कौन सी ऑप्शन अवेलेबल है एक आखिरी स्टेप भी है कि यू कैन यूज द हेल्प बटन ऑन द डायलॉग बॉक्स टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑप्शन इस पे थोड़ी सी बात मैं करना चाहूंगा जनरली जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में या फॉर देट मैटर एनी सॉफ्टवेयर ऑफ दिस टाइप उसमें जब आप जा रहे हैं टूल पहली दफ़ा इस्तेमाल करना है तो साफ सार डिटेल्स का तो कुछ नहीं पता तो एक इसका तरीका ये होता है कि आप उसकी हेल्प फाइल को कंसल्ट करें बल्कि मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इस लेक्चर के बाद आप मेहरबानी करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उसकी हेल्प फाइल में जाएं और वहां पे जाके ये बातें जो मैं आपको दिखा रहा हूं जो स्लाइड्स दिखा रहा हूं आप उनको खुद वहां जाके तो यू ट्राई आउट ताकि आपको पता लगे कि ये पैक्स किस तरह से इंस्टॉल होते हैं सेकेंडली इन पैक्स के बारे में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है विच हैजू बी स्टडीड वो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसको प्लीज गो थ्रू दैट डॉक्यूमेंटेशन एज वेल तो अगर आप फेमिलराइज अपने आप को कर लेते हैं तो फिर यह बड़ा आसान हो जाएगा कि अगर कोई सवाल उन ऑप्शंस के बारे में जो उस टूल के लिए अवेलेबल की जा रही हैं उस डायलॉग बॉक्स में और नहीं समझ आ रही करना क्या है तो एक तो है शॉर्ट हेल्प एक टूल बार में एक क्वेश्चन मार्क का सिंबल बना हुआ होता है जो शली होता हैल्प के लिए तो या तो वहां जाके उसको आप क्लिक करें यू सिलेक्ट वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क और आस्क फॉर हेल्प अबाउट और फिर उसको वहां पर आप क्लिक करें देन माइक्रोसॉफ्ट एक्साइल प्रोवाइड्स यू द नेसेसरी हेल्प फाइल या कम अज कम आपको वहां डायरेक्टली ले जाया जाता है जहाँ पे आप अपने रिलेटेड आइटम को ढूंढ सकें तो एक तो ये हो गया कि आपने वहाँ क्वेश्चन मार्क वाला जो हेल्प का सिंबल है उसको सिलेक्ट किया दूसरा तरीका जो ज़्यादा लेबोरेट है विच आई वुड रिकमेंड यू कि आप एज ए नॉर्मल रूटीन हेल्प फाइल्स को इस्तेमाल करना सीखें ताकि ये प्रॉब्लम्स ये सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल में बार बार ये प्रॉब्लम्स पेश आएंगे तो इसलिए यह बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप हेल्प फाइल को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकें तो आइए अब अगली स्लाइड पे चलें। इस स्लाइड पे आपको एड इस की लिस्ट दिखाई जा रही है यानी हमने वो टूल्स मेन्यू में जाके जब ये सिलेक्शन की थी तो मैंने मेरे कंप्यूटर पे भी वो डेटा एनालिसिस मुझे नजर नहीं आया तो मैंने एड इन्स वाले मेन्यू को क्लिक किया तो ये डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आ गया जिसकी स्लाइड आप देख रहे हैं तो इसमें मैंने जो आपको यहाँ पे एनालिसिस टूल पैक सबसे ऊपर हाईलाइट भी किया हुआ है वहां आप देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है यानी यहाँ पे टिक मार्क आपको नजर आ रहा है एंड प्लीज नोट कि एक और टूल पैक है जो सिलेक्ट नहीं किया गया एनालिसिस टूल पैक VBA। लेट मी एक्सप्लेन ये एनालिसिस टूल पैक वी बी ए क्या है? कि एक तो था स्टेटिस्टिकल एनालिसिस जिसको टूल पैक का यार एनालिसिस टूल पैक जिसको हमने सिलेक्ट किया और दूसरा जो VBA टूल पैक जो मैंने सिलेक्ट नहीं किया और उसकी वजह यह है कि VBA बी ए स्टैंड फॉर विजअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विजुअल बेसिक की इन ए वे एक्सटेंशन है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बिल्ट इन है और अगर आप उसको सीख लें तो आप हर किस्म का स्टेटस्टिकल एनालिसिस करने के लिए अपने प्रोग्राम भी लिख सकते हैं तो अगर आपने ये महारत हासिल कर ली देन यू नीड दिस टूल बॉक्स यानी उसमें विजुअल बेसिक के कुछ फंक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं जो आप अपने प्रोग्राम्स में इस्तेमाल कर सकते हैं दोज ऑफ यू हुडी हैव मास्टर्ड Microsoft Excel और जिनकी महारत भी है प्रोग्रामिंग में आप में से कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं तो आई वुड सजेस्ट यू दैट यू इवन ट्राई दिस टूल पैक ताकि आपको पता लगे कि मैं अपना स्टेटिस्टिकल एनालिसिस कैसे ऑटोमेट कर सकता हूं तो आइए स्लाइड पे वापस चलें इसमें आप देख रहे हैं कि और भी कई एड हैं जिनमें मसलन लुकअप विज़र्ड सॉल्वर एड इंटरनेट असिस्टेंट वी यूरो करेंसी टूल्स कंडीशनल सम विज़र्ड इसका जिक्र भी एक लेक्चर में हुआ था कि आप ये विज़र्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर समे हो और कंडीशन स्पेसिफाई करनी हो तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलें वही डिफरेंट एड्स एक क्लोजअप की शक्ल में आपको दिखाए जा रहे हैं आई नेक्स्ट लाइड पर चलें यहाँ आप देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का टूल्स मैन्यू और डेटा एनालिसिस हाईलाइट किया जा रहा है यानी मैन्यू डेटा एनालिसिस। लेट मी से वर्ड ये जब हमने शुरू में एक्सेल में डेटा एनालिसिस को ढूंढने की कोशिश की तो हमें नहीं मिला उसकी वजह यह थी कि वो एड इन एड नहीं हुआ था टिक नहीं था लिस्ट में तो एड इंड में हमने जाके तो इसको टिक किया और फिर हम वापस ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि अब मैंने जब मेन्यू में जाके ढूंढा तो डेटा एनालिसिस का मेन्यू अब मुझे मिल गया और इस स्लाइड पे आप वो देख रहे हैं तो आइए स्लाइड पे वापस चलते हैं तो डेटा एनालिसिस को क्लिक किया गया जब डेटा एनालिसिस को क्लिक किया गया तो डेटा एनालिसिस का डायलॉग बॉक्स या एनालिसिस टूल्स लिस्ट जो मैं दो हिस्सों में आपको दिखा रहा हूं, ये हमारे सामने आ गई इस स्लाइड पे उसका क्लोजअप दिखाया जा रहा है और उसमें कई ऐसी बातें आपको नजर आ रही हैं जो जिनके साथ आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं जिनकी बात हो चुकी है और कुछ ऐसी ऐसे टूल्स हैं जो हम बाद में उम्मीद है कि हम उनको कवर करेंगे सबसे पहले जो आप देख रहे हैं इधर हाइलाइटेड कोरिलेशन ये कोरिलेशन का टूल है फिर अगर आपने कोवेरियंस का एनालिसिस करना है जो बाद में वी में गोइंग टू यह आप देख रहे हैं कि कोवेरियंस का टूल भी है फिर एक टूल डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स का है देर इज ए टूल फॉर एक्सपोनशियल स्मूदिंग जो हम करेंगे हमारे कोर्स में ये शामिल है फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट्स हैं जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किए जाते हैं एफ टेस्ट फिर फोर इयर एनालिसिस विच वी आर नॉट कवरिंग इन दिस कोर्स लेकिन हिस्टोग्राम्स हम कर रहे हैं कर चुके हैं मूविंग एवरेजिस हम इवेंचुअली वी विल कवर रेंडम नंबर जनरेशन का भी एक टूल है बट वी आर नॉट स्टडिंग दिस इन दिस कोर्स नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। इसमें चूंकि दो हिस्सों में जिस तरह से दिखाया जा रहा है तो कुछ बातें यहां पे रिपीट हो गई हैं मसलन ये रैंडम नंबर तक तीन आइटम्स जो आप देख रहे हैं ये पहली स्लाइड पे भी आपको नजर आए अब कुछ और टूल्स जिसमें रैंक एंडल्स एज यू रिमेंबर वी हैव कवर्ड रैंक परसेंटाइल भी हमने कवर किया फिर रिग्रेशन का टूल इसके बाद सैम्पलिंग फिर टी टेस्ट के टूल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी टेस्ट विच वी विल कवर आल्सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमारे कोर्स में शामिल है फिर जेड टेस्ट इज आल्सो इंक्लूडेड जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी तो जेड टेस्ट भी हम स्टडी करेंगे तो ये आपने इन दो स्लाइड्स पर देखा कि कई डेटा अनालस टूल्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑलरेडी अवेलेबल हैं अब दोबारा लेट मी डिस्कस कि ये डिफरेंस क्या हुआ कि इतने टूल्स यहाँ मौजूद हैं फिर हम उधर वो दूसरी ऑप्शन हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस की भी है जो हम करते जा रहे हैं हर लेक्चर में उसका इस्तेमाल हो रहा है तो ये क्या है तो इसकी मेन वजह ये है कि अगर तो आपने खुद एनालिसिस करना डिटेल लेवल पे माइक्रो लेवल पे वर्कशीटें खुद बनानी हैं खुद फार्मूले लिखने हैं तो नेचुरली यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू गो थ्रू अ विजिट और मैंने एक्सप्लेन किया था विजिट क्या होता है कि सॉफ्टवेयर जिसमें आपको गाइड किया जाता है कि आपने क्या करना वो स्क्रीन आफ्टर स्क्रीन आपको दिखाई जाती है सिलेक्शंस में गाइड किया जाता है कुछ डेटा बताया जाता है एंटर करें नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर फिनिश तो ये ऑलरेडी आप में से जो लोग कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं आप इसे वाकिफ हैं कि डायलॉग बॉक्सेस, विजट्स इस किस्म के हैं अब माइक्रोसॉफ्ट का जितना भी सॉफ्टवेयर है उसमें ये विजट्स अक्सर इस्तेमाल हो रहे हैं एक्सटेंसिव यूज ऑफ विजट्स तो यहां भी अगर आप इस तरह से आपने एनालिसिस करना है गाइडेड एनालिसिस तो देन आई सजेस्ट दैट यू यूज दीज टूल्स लेकिन एक यहां पर खास बात वो ये है कि अगर आप उस तरह का एनालिसिस करना चाहते हैं अगर आप वो आउटपुट ले सकते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं जो इन विजिट्स के थ्रू आपको मिलेगी तो फिर तो सेंस बनता है कि आप विजिट्स को इस्तेमाल करें लेकिन अक्सर मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि जब आप बिजनेस लाइफ में जाएंगे तो यू विल डिस्कवर दैट दीज वि यूजर फ्रेंडली बट दे डोंट मीट योर रिक्वायरमेंट्स ऑल द टाइम तो अक्सर कस्टम वर्कशीट ही बनानी पड़ती हैं और वर्सिटिलिटी इसी में ही होती है कि फंक्शन लेवल पे अपनी केपेबिलिटी को डिवेलप किया जाए तो ऑल दो आई वुड लाइक दैट यू बिकम फेमिलियर विद ऑल दीज विज जो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के साथ डील कर रहे हैं आउट ऑफ इंटरेस्ट यू शुड डू दिस यानी ये मिड टर्म या एंड टर्म वाली बातें नहीं है ये एक कैपेबिलिटी डेवलप करने वाली बातें हैं दैट यू शुड बी अवेयर और इस कोर्स में कम से कम आपको एक गाइड किया जा रहा है कि इन टूल्स के बारे में आप सीरियसली सोचें और उनको एटलीस्ट बिकम फिलियर इफ नॉट एन एक्सपर्ट एट

कि इनपुट में वाई रेंज दिया जाता है एक्स रेंज दिया जाता है फिर लेबल्स हैं फिर कॉन्स्टेंट जीरो यू कैन डिसाइड कॉन्फिडेंस लेवल आप डिसाइड कर सकते हैं 95 फाइव एज ए नॉर्मल फिगर ली गई है फिर आउटपुट ऑप्शनस हैं कि आप किस तरह से अपनी आउटपुट लेना चाहते हैं नई वर्कशीट में लेंगे या आउटपुट रेंज आप डिफाइन करेंगे या नई वर्क में लेंगे फिर रेजिड्यूल्स के बारे में भी

लेट मी से वर्ड ऑन दीज ऑप्शन नाउ नेचुरली एज ए फर्स्ट टाइम यूजर जब आप इसको ऐसे टूल को देखेंगे तो ये इतनी बातें हैं जो ऑल ऑफ ए सडन हमारे सामने आ गई कि इनको मैंने इस्तेमाल कैसे करना है यू मे हैव क्वेश्चन ऑन एवरी आइटम वो जो मैंने हेल्थ फाइल की बात की थी वो अब यहां पर जरूरी हो गई लेकिन जब आप विजिट का इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत सारी बातें

इस फंक्शन को एक्सप्लेन करने से पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस द रिग्रेशन इक्वेशन फर्स्ट और वो रिग्रेशन इक्वेशन क्या है दिस आई द प्रीवियस लेक्चर्स कि रिग्रेशन इक्वेशन इज वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसमें ए एंड बी रिग्रेशन कॉन्स्टेंट्स हैं ये आपके लिए कुछ स्लाइड्स मैंने बनाई हुई हैं। आई एम गोइंग टू शो यू दो स्लाइड्स तो ये तो बेसिक जो टर्म्स हैं रिग्रेशन इक्वेशन की फिर एक रेजिड्यूल टर्म भी है जो एरर के तौर पे जिसको शामिल किया जाता है अब अगर इस इक्वेशन को हम देखें कि इसमें जो दो रिग्रेशन कॉन्स्टेंट्स हैं y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इसमें ए इंटरसेप्ट ए को इंटरसेप्ट कहा जाता है और यह मैंने आपको एक्सप्लेन किया है पहले कि यह वो पॉइंट है कि अगर स्ट्रेट लाइन ऑरिजन से नहीं निकली यानी वह वाई एक्सेस पे किसी पॉइंट से शुरू हो रही है तो वो पॉइंट वो वैल्यू फ्रॉम द ऑरिजन वाई एक्सेस पे वो वैल्यू होगी तो दैट वैल्यू इज इक्वल टू दिस रिग्रेशन कॉन्स्टेंट ए और उसको इंटरसेप्ट भी कहा जाता है यानी ये वैल्यू रिग्रेशन कांस्टेंट ए इज द इंटरसेप्ट फिर वहां से लाइन आपकी आपने ड्रा की उस लाइन में एक खास रेट ऑफ चेंज है फॉर एवरी यूनिट ऑन द वाई एक्सिस देयर इज अ सर्टेन चेंज इन देंज को रेट ऑफ चेंज को स्लोप की शक्ल में लिया जाता है और वो स्लोप रिग्रेशन कांस्टेंट बी कहलाता है तो अगर आपको ये दोनों वैल्यूज मिल जाएं, ए और बी तो इट मींस के आपके पास रिग्रेशन इक्वेशन आ गई तो मैं आपको ये दो फंक्शन दिखा रहा हूं स्लोप और इंटरसेप्ट इनके इस्तेमाल से आप अपनी रिग्रेशन इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं तो आइए इनके सिंटेक्स को स्टडी करें और फिर दो एग्जाम्पल्स देखें कि ये किस तरह से किया जाएगा स्लोप के सिंटेक्स को देखिए सिंटेक्स इसका क्या है कि फंक्शन नेम पहले स्लोप फिर लिखा जा रहा है नॉन वाइज कॉमा नॉन एक्स यानी वाई की वैल्यूज और फिर एक्स की वैल्यू और फिर फर्दर एक्सप्लेनेशन है कि नॉन वाइज क्या है कि इज एन ए रे और सेल रेंज ऑफ नमेरिक डिपेंडेंट डेटा पॉइंट्स डिपेंडेंट की बात आर जस्ट टू रिफ्रेश योर मेमोरी के रिमेंबर आई एक्सप्लेन टू यू के दो वेरिएबल्स होते हैं एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है मसन वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स जस्ट थिंक फॉर ए सेकंड के कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है इसका आंसर ये है कि वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू आप विदाउट रिलेशन टू दिएबल्स चेंज कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है यहां पर वाई ऑब्वियसली चेंज हो रहा है एक्स के साथ तो एक्स की वैल्यू वुड बी इट वुड बी एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई चूकि डिपेंडेंट है तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ तो देट इज द एक्सप्लेन ऑफ द डिपेंडेंट द टर्म डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट तो आई ए स्लाइड पर वापस चलते हैं डिपेंडेंट डेटा पॉइंट कहा जा रहा है फिर दूसरा नोन एक्सेस इज आप तो इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं फिर इक्वेशन ये आपको मैंने शो की है जब आप एक्सेल की हेल्प फाइल में जाएंगे तो वहां आपको इस तरह से ये नजर नहीं आएगी ये मैंने आपकी आसानी के लिए बजाय वेशन साइन के इस तरह से लिखा है कि ताकि आपको ये आसानी से समझ आ जाए कि B इक्वल टू N मल्टीप्लाईड बाई सम ऑफ समेशन ऑफ यानी समेशन का साइन है असल में और फिर प्रोडक्ट है एक्स वाई का फिर माइनस पहले सम ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई समाई इस प्रोडक्ट को आपने N एन इंटू समाई से माइनस करना है एंड देन इट्स डिवाइडेड बाई एन इंटू समर और ये वो सिंबल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक्सपोनेंट का ये साइन है ये आई एक्सप्लेन टूर एक्स रेज टू टू इस तरह से हम लिख रहे हैं यह पहली टर्म हो गई एन समर्स माइनस सम ऑफ एक्स स्क्वा यहां डिफ्रेंस क्या हुआ कि सम ऑफ एक्स रेस टू दार टू आप कर रहे हैं और उधर उसको स्क्वेयर करके फिर सम कर रहे हैं और एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दिस इज द इक्वेशन फॉर डिराइविंग द स्लोप तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चले यहां मैंने एक वर्कशीट बनाई है आपके लिए दिस इज द एग्जाम्पल फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये मैंने इसलिए सेलेक्ट की है वहाँ से लिए है ताकि आप आसानी से आपके लिए रेफरेंस हो सो यू कैन गो बैक टू द हेल्प फाइल स्लोप फंक्शन को आप ढूंढें उसकी हेल्प फाइल में जाके और वहाँ पे आप उसको स्टडी करें और ये एग्जांपल एग्जैक्टली exactly वही है और आप देखिए इसमें क्या है कि पहले तो सेंटेक्स ऊपर लिखा हुआ है स्लोप फंक्शन फिर नॉन वाइस कोमा नॉन एक्सेस फिर यहाँ पे हमने दो स्ट्रीम्स रेस दी हैं नॉन वाई पहले टू थ्री नाइन वन एट सेवन फाइव डिफरेंट वैल्यूज हैं फिर एक्स की वैल्यूज हैं सिक्स फाइव एलेवन सेवन फाइव फोर एंड फोर तो इसका फार्मूला कैसे लिखा गया एक साइन फार्मूला भी आप देख रहे हैं यहां पर और टू द राइट ऑफ द फार्मूला जो आंसर है वह मैंने एज टेक्सट यहां पर लिखा है ताकि आपको ये क्लियर हो कि जब आप ये फार्मूला एंटर करेंगे और उसके बाद एंटर की की प्रेस करेंगे तो ये आंसर आपका आपको मिलेगा मेरे कंप्यूटर पे मैंने डेसिमल सेट नहीं किए तो ये इस वजह से ये आप यहाँ पे सिक्स डेसिमल देख रहे हैं जीरो पॉइंट थ्री जीरो फाइव 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 सिक्स बट लेट मी फर्स्ट फिनिश द फार्मूला देन वी डिस्कस इट कि फार्मूला इज इक्वल फिर स्लोप फिर विद इन ब्रैकेट्स फिर पहला रेंज हमने सिलेक्ट किया है और ये ब्लू रेक्टेंगल आपको दिखा रही है ब्लू लेटर्स भी आप देख रहे हैं ए फोर टू ए का रेंज है फिर मेरे कंप्यूटर पे सेमी कॉलन चूँकि इस्तेमाल होता है यूरोपियन कंट्री ओरिजिन है ये तो ये इस वजह से मैं वो सैमी कॉलन आपके कंप्यूटर पे शायद कॉमा हो फिर आप नेक्स्ट रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं बी टू बी फिर जब आपने एंटर की दबाई तो आंसर 0.305556 आ गया तो यहां पे एक पॉइंटर कि जब आप इस किस्म की कैलकुलेशन कर रहे हैं और आपने ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये रिग्रेशन कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली आप उसको राउंड ऑफ टू वन डेसिमल तो नहीं करेंगे क्योंकि अगर आप उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं तो फिर एक एरर मार्जिन खुद ब खुद आपकी कैलकुलेशन में आ जाता है सो यू डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग इन फैक्ट आई वुड से जहां बड़ी एक्यूरेट कैलकुलेशन करनी हो और जहां पे वैल्यूज स्मॉल हो और रिग्रेशन कांस्टेंट्स इन डेसिमल्स हों तो फिर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डे इस किस्म के रिग्रेशन कांस्टेंट को टू लार्ज नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स रखा जाए ताकि एरर ना आ जाए अच्छा अब इसका दूसरा पहलू भी है वो क्या है कि अगर रिग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू बहुत हाई है थाउजेंड में है मुश्किल तो देन इट वोन मेक सेंस एट ऑल इवन टू हैव वन डेसिमल तो ये एक अकल इस्तेमाल करने की बात होगी सिचुएशन के मुताबिक जजमेंट की बात है कि मैंने कहां पे कितने डेसिमल इस्तेमाल करने हैं मैं एज ए रूल आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर सिंपल डेसिमल है तो फिर आप इवन सिक्स डेसिमल वैल्यूज तक जरूर रखें अगर आपकी वैल्यू होल नंबर्स में है लेट से मोर देन टेन तो मे बी इवन टू डेसिमल्स वुड बी गुड इनाफ और अगर थाउजेंड्स में है तो मे बी इवन वन डेसीमल इज गुड इनाफ और अगर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स में है तो यू मे बी यू डोंट नीड एनी डेसिमल ऑल ये आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि आप उसकी वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज इंसर्ट करके देखें जब आप क्या आ रहा है वैल्यू चेंज करके देखिए अगर खास फर्क नहीं पड़ रहा तो देन यू कैन राउंड ऑफ तो आईए स्लाइड पर वापस चले दूसरा फंक्शन है इंटरसेप्ट जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया इंटरसेप्ट की बड़ी आप देख रहे हैं स्लाइड पे तफशील के साथ एक्सप्लेनिशन है वो एक्सप्लेनिशन क्या है कैलकुलेट द पॉइंट एट विच अ लाइन विल इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस बाई यूजिंग एग्जिस्टिंग एक्स वैल्यूज एंड वाई वैल्यूज सो लेट मी एक्सप्लेन दिस के यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप एग्जिस्टिंग जो वैल्यूज हैं उनको अगर आप प्लॉट कर लें और लाइन ड्रॉ कर लें तो जहां पर लाइन वाई एक्सिस को टच करेगी दैट पॉइंट गिवस यू द इंटरसेप्ट यह मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूं तो आई एस लाइट पे वापस चले द इंटरसेप्टेस्ड ऑन ए बेस्ट फिट रिग्रेशन लाइन प्लॉटेड थ्रू द नॉन एक्स वाइज एंड नॉन वाई वैल्यूज इस पर भी बात करें थोड़ी सी ये भी पॉइंट एक्सप्लेन हो गया आई एस यूम के नॉन वैल्यूज ऑलरेडी एक्स वाई जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी आप वो लाइन को फर्दर ड्रा करें अगर वो लाइन गिवन नहीं है और आप रिग्रेशन कर रहे हैं तो फिर आप उस लाइन को जब ड्रॉ करेंगे आफ्टर डूइंग योर रिग्रेशन एनालिसिस बेस्ट फिट लाइन आपने ढूंढ ली तो उस लाइन को जब ड्रा करेंगे तो वो पॉइंट जहां पर लाइन वाई एक्सिस को हिट करती है दैट इज द इंटरसेप्ट तो आइए स्लाइड पर वापस चले Use the intercept function when you want to determine the value of the dependent variable when the independent variable is zero. So, this intercept is For example, For example, you can use the intercept function to predict a metal's electrical resistance at zero degrees centigrade when your data points were taken at room temperature and higher. इसको भी एक्सप्लेन करने की थोड़ी सी जरूरत है कि जब आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और फिर आप जीरो पॉइंट पे देख रहे हैं तो नेचुरली जीरो मीन्स कि एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू जीरो तो दिस गिव्स यू एन आइडिया हाउ इंटरसेप्ट कैन बी यूज्ड कि फौरन हमें पता लग गया कि जीरो वैल्यू पे वाई की वैल्यू ये है और वैसे एक दूसरा तरीका भी ऑब्वियसली जब आप इक्वेशन में x की वैल्यू को जीरो के तौर पर इंसर्ट कर देंगे तो देन y विल भी इक्वल टू a ये वही बात है जो अभी हम कर चुके हैं तो आइए स्लाइड पे वापस चलें इंटरसेप्ट का सिंटेक्स कि इंटरसेप्ट में दो एज यू नो ऑलरेडी ये नॉन दो एरेस हैं जैसे हमने स्लोप में भी किया एग्जैक्टली सिमिलर केसेस केसिस नॉन वाइज इज द डिपेंडेंट सेट ऑफ ऑब्जरवेशन और डेटा और दूसरा नॉन एक्सेस इज द इन डिपेंडेंट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन और डेटा ये बिल्कुल वही सिमिलर सिचुएशन एज इन स्लोप अब यहां पे आप इंटरसेप्ट की वर्कशीट देख रहे हैं इस स्लाइड पे इसमें डेटा पॉइंट टू थ्री नाइन वन एंड एट y की वैल्यूस हैं और नॉन एक्स सिक्स फाइव इलेवन सेवन एंड फाइव तो ये इंटरसेप्ट का फॉर्मूला भी यहां पे आप देख रहे हैं कि ये जिस तरह से लिखा हुआ है कि चूंकि सेल विथ कम थी तो टी और बाकी फार्मूला दूसरी रो में लिखा गया और ये फार्मूले ये एक जनरल पॉइंट है विच आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू और आपने देखा भी होगा कि जब फॉर्मूले अगर तो जगह थी तो पूरा फार्मूला हॉरिजॉन्टली नजर आया अगर हमने राइट right साइड पे पर वैल्यू लिख दी थी टू द राइट ऑफ द फार्मूला कई वर्कशीट्स में मैं आपको यह दिखा चुका हूं तो वहां पे फॉर्मूला चूंकि इतनी स्पेस थी नहीं तो फार्मूला स्पेल्ड ओवर टू द सेल्स बिलो अगर जगह है तो इट विल स्पेल ओवर टू द सेल्स टू द राइट अच्छा ये भी एक इंटरेस्टिंग आपके लिए पॉइंट यू डोंट है राइट और डाउनवर्ड दे फॉर्मूला स्पेल्स ओवर टू द लेफ्ट प्रोवाइडेड देर स्पेस देर तो ये नॉर्मली ये एक्सेल में इस तरह से फॉर्मूले लिखे जाते हैं तो ये एक आई थॉट मे बी यूल फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज वाई टी इज रिटर्न द नेक्स्ट लाइन तो आइए स्लाइड पे वापस चलते हैं तो आपने देखा ये यह यहाँ पे टू द राइट ऑफ द सेल कॉलम बी में ये वैल्यू आपको नजर आ रही है जीरो पॉइंट जीरो फोर एट थ्री एट सेवन ये जवाब है जो फॉर्मूला है इंटरसेप्ट फिर पहला रेंज एटीन से ट्वेंटी टू अगेन डन इन द सेम मैनर के स्टार्टिंग पॉइंट को क्लिक किया फिर ड्रैग करके आखिरी पॉइंट पे ले गए फिर सेमीकोलन फिर नेक्स्ट अरे को सिलेक्ट किया रेंज को स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वैल्यू सिक्स फाइव तक ड्रैग करके लेके गए फिर एंटर की दबाई तो ये आंसर आ गया तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि अगर हम ये दो फंक्शन इस्तेमाल कर लें स्लोप और इंटरसेप्ट तो हमारे रिग्रेशन कॉन्स्टेंट्स बड़ी आसानी से वर्कआउट हो जाते हैं तो दिस शुड गिव यू एन आइडिया हाउ सिंपल एंड इफेक्टिव दीज फंक्शंस आर आज के लेक्चर में हम यहां पे इस टॉपिक को क्लोज करेंगे स्टूडेंट्स आज हमने फोकस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के स्टेटिस्टिकल फंक्शंस पे रखा चूंकि बड़ा इम्पॉटेंट है अब हमारा स्टेटिस्टिकल एनालिसिस एडवांस्ड होता जा रहा है हमें इन टूल्स की ज़रूरत है तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया कि आप इन डिफरेंट टूल्स के साथ ुली फेमिलियइज हो जाइए और आज इसी वजह से मैंने आपको यह सारी तफसीला दिखाई आई हेव टेकन यू थ्रू द रूट हाउ टू गो अबाउट इट हाउ टू इंस्टॉल द टूल्स हाउ टू सेलेक्ट डिफरेंट टूल्स और फाइनली हाउ टू यूज स्लोप एंड इंटरसेप्ट फंक्शन तो यह एक बड़ा हेस्टी और क्विक टूअर था ऑब्वियसली िस अभी ब्रीफली हम कर रहे हैं एक हिस्सा आज हमने कवर किया और टूल्स रिलेटेड यह रहा अगले लेक्चर में हम कुछ मैनुअल कैलकुलेश करेंगे वर्कशीट की शक्ल में कि अगर यही सवाल मुझे मैनुअली करने पड़े तो फॉर्मूली मुझे आने चाहिए मैं इस्तेमाल कर सकू अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अवेलेबल फॉरन ना हो तो हमें इस काबुल भी होना चाहिए कि हम मैनुअली कैलकुलेशंस कर सकें तो ये हमारे अगले लेक्चर का टॉपिक होगा एंड आफ्टर द नेक्स्ट लेक्चर वी विल क्लोज आवर डिस्कशन ऑन रिग्रेस एनालिसिस स्टूडेंट्स आज का लेक्चर भी मुझे उम्मीद है कि बड़ा भरपूर रहा होगा कई नई बातें हमने आज भी सीखी और बड़ी दिलचस्प किस्म की आपने देखा कि पॉसिबिलिटीज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इस्तेमाल करने में तो आज के लिए इतना ही जो मैंने आपको पॉइंट आउट किया टार्ट वर्किंग मोर विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यू स्टेटिस्टिकल पैक्स फेमिलइज योरसेल्फ विद दीज फंक्शंस प्लीज़ कंटिन्यू योर हार्डवर्क तो आज के लेक्चर में इतना ही इजाज़त दीजिए अलमैकुम खुदा हाफिस